सो यस हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यस, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि पिछले 3 दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि मेरा जो मूड था वो थोड़ा सा अपसेट था, बट चलो कोई बात नहीं, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। सो यस, उस बात को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। एंड आज मैंने वियर करा है रेड कलर का ड्रेस, एंड रेड इज़ अ सिंबल ऑफ लव। सो प्यार ज़िंदगी में नहीं है पर स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड लव। आज मैं सुबह जिम नहीं गई, और रीज़न ऑफ नॉट गोइंग जिम वॉज कि जो था सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं रेडी हुई थी, मतलब मैंने जिम वेयर जो था अपना डाला, एंड उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई, फिर मैं नहीं गई। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इवनिंग में जाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं इवनिंग में जाते हैं या नहीं जाते हैं। बट बिफोर दैट मैं फटाफट से रील्स शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसी के लिए रेडी हुई हूँ। तो पहले रील्स शूट करते हैं, देन मैं आप लोगों से उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। और तब तक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा जो रेड आउटफिट है और ये जो मेरी लुक है कैसी लगी। हेयर मैंने अभी नहीं सेट करा है, वो मैंने हाथों से यूं करके कर लिए थे, तो जस्ट इग्नोर दैट। एंड मैं आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं जाती हूँ और 2 मिनट में आती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो मेहनत करते रहो, ठीक है। जब कुछ बन जाओगे तो लोगों को रिग्रेट होगा, ठीक है, और जिसने आपसे बुरा किया है भगवान देख रहा है, ठीक है। उसके बाद लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोले, आप पे ब्लेम्स लगाए, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है, बिकॉज आपको पता है आप सही थे, आप आज भी सही हो, सो अच्छे काम करते रहिए, ठीक है। तो अभी रील्स वील्स बना रही थी मैं, देखो मैंने फिर से चेंज कर लिया, मैंने थोड़ा एथनिक पहन लिया, उस टाइम थोड़ा वेस्टर्न पहना था, तो लगभग मेरे को लग रहा है 2-3 घंटे हो गए मुझे रील्स बनाते बनाते, और बनाई मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, मुश्किल से 3-4 वीडियोज़ बनाई है बस। और टाइम पता है कहाँ लगा? टाइम लगा कैमरा सेटअप वगैरह करने में, तो आधा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया, कैमरा सेट करो, फिर कपड़े चेंज करो, फिर ऐसे ऐसे करके दिमाग ख़राब हो गया। और गर्मी इतनी लग रही है ना इस टाइम, माई गॉड। और मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया रूम पर, क्योंकि जब तक माइक नहीं आता तब तक आवाज़ आती है ना फिर फ़ैन की, इसलिए भी मैंने फ़ैन बंद कर दिया। और बाकी थोड़ी बहुत आ रही होगी आपको बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही होंगी, वो पीछे पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से आ रही हैं, ठीक है। बाकी जल्द से जल्द माइक आएगा तब करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं बाहर पे क्या हो रहा है, पहले मैं इन्हें चेंज कर लेती हूँ। इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहन के बैठना इज़ वेरी 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 टफ। तो यस गाइस, मैंने चेंज कर लिया है, एंड अरे हाँ, ये मैंने वीडियोस बनाई, मैंने बिंदी बिंदी तो उतारी नहीं, ऐसा लग रहा मेरी शादी हो गई होगी, तो मैं हटा देती हूँ, लिपस्टिक भी बहुत हाथ से ही हटा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे लाल लाल बहुत ज़्यादा, ये तो बस रील्स वगैरह के लिए करना पड़ता है। मतलब मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ ना, मेरे पे मेकअप रिमूवर सब कुछ है, टिश्यूज़ है, और फिर भी हाथ से मिटा दो। ऐसे होता है जब आपको ना गर्मी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, तो जो लगाया सब उतार दो, तो उतार दिया मैंने लिपस्टिक भी। अभी मैं हैंड वॉश कर लूँगी इसके बाद, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रही हूँ। गैस वॉच लाइफ सेवियर है, अगर आप मेरी तरह शूट्स पर रहते हो और समझ रहे हो ना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये देखो, ये है फैन, देखो कितना क्यूट है, छोटा सा टेबल फैन टाइप है, टेबल फैन बोलो, हैंड फैन बोलो, सबने हाथ पे पकड़ के ऐसे 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 क्या हवा खा सकते हो। और अगर आपको मजाक लग रहा है ना, ये देखो मैं चला के दिखाती हूँ आपको, ये देखो है ना मस्त, ये देखो मजाक नहीं कर रही मैं, देखो कितना प्यारा है ये, इससे हवा आती है भाई। और सच में मतलब बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, और मतलब आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, पहले मैं बंद करूँगी इसे तब बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है इसकी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी तो। और इसमें ये लाइट, ये देखो इसमें लाइट भी जलती है, बंद हो गई, ऑन, तो अगर अंधेरे में हो आप और कुछ देखना है तो भी देख सकते हो आप इससे, ठीक है। तो इसे बंद करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो गाइज़, जो ये फ़ैन है ना, मतलब ये लाइफ सेवियर है, जैसे कि आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप शूट्स वगैरह में रहते हो मेरी तरह, यहाँ पे ऐसी जगह रहते हो, घर से बाहर रहते हो, है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे सिर्फ आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, इससे चार्ज करना है, ठीक है, तो आप इसे चार्ज कर सकते हो और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बहुत मस्त हवा देता है एकदम, और इसमें ये लाइट भी ऑन ऑफ जो हो रही है, अगर अंधेरे में हो तो ये आपका लाइट का काम कर देगा। ये डायल से, मतलब इससे
ऐसे घुमा के स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऑफ हो जाता है, ठीक है। और आप से लो, फास्ट, मीडियम, जो भी करना है आपको सब कर सकते हो आप। और मतलब अब आप इसका प्राइस गेस करो कितना होगा, मतलब प्राइस भी मतलब इतना पॉकेट फ्रेंडली है, इतना पॉकेट फ्रेंडली है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़ का है। और ये मैंने ख़रीदा था रामनगर उत्तराखंड से। अभी जब मैं अपने गांव गई थी ना, तब मैंने को बहुत गर्मी, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैंने ये ख़रीदा था। भले कार में एसी था, लेकिन मैं इसे इसलिए खरीद के लेके गई थी, और मैंने ये दो ख़रीदे थे, और मैंने इसलिए ख़रीदे थे क्योंकि मेरे गाँव में जो फ़ैन है ना वो ऐसे चलता है, ऐसे इतनी कम स्पीड से, ठीक है। और गाँव में इस बार बहुत सारे लोग आए थे, तो मेरे को लगा क्या पता ऐसा हो कि जो फैन वाला रूम है वहाँ हम ना सो पाए, कुछ भी हो सकता है ना, और लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैंने स्पेशली दो खरीद लिए थे, और ये सच में मैं शूट्स वगैरह में जाऊँगी तो मैं इसे लेके जरूर जाऊँगी, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। और मेरे को नहीं पता ये ऑनलाइन मतलब ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हाँ ऑनलाइन मिलते हैं, तो अगर आपको ये वाला दिखता है ऑनलाइन बहुत सस्ता है, 350 रुपये का सिर्फ, क्या बुरा है इसमें, सिर्फ चार्ज करो और यूज़ करो। तो इसलिए मैंने ख़रीद लिया था, मुझे तो बड़ा पसंद आया, ठीक है। बाकी मुझे तो बेस्ट लगा, मतलब ये फ़ैन बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग इसे ज़रूर 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 खरीदिए, ठीक है। तो मैं अब जाके आपको दिखाती हूँ घर पर कौन क्या क्या कर रहा है। और एक बंदे का तो मुझे पहले से ही पता है, वो गेम खेल रहा हुआ है, मेरा खड़ूस सड़ा हुआ बदतमीज़ भाई, देखता चौको उसको, कॉर्नफ्लेक्स बोलने वाला बंदा। हाँ 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 मैं भी खा रही हूँ, ठीक है। ये देखो हमेशा की तरह गेम पे लगा पड़ा, इसकी तो ज़िंदगी यही है। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी छत में, तो मैं चलती हूँ आपको, ठीक है। छत पे जाते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं टेरेस की, टेरेस कैसी है मेरे घर की। और अभी हम जा रहे हैं टेरेस पे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो घर है वहाँ पे टेरेस कैसी है, ठीक है। और स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आ चुकी हूँ इतनी चटक धूप में काली होने के लिए। वैसे भी इस बार मैं समर्स में बहुत ज़्यादा टैन हो गई हूँ, टैन इसलिए हो गई हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, और इस बार शूट था वो चटक धूप में था, गाँव गई इधर उधर, तो जाना आने से मैं पूरी काली पड़ चुकी। खुशी हो रही है, किस बात की खुशी हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। खुशी इस बात की हो रही है कि जो वो जो लास्ट डे का था मेरे गाँव का व्लॉग, गाइज वो व्लॉग इतना सही चल रहा है ना, उस पर व्यूज़ इतने बढ़िया आ रहे हैं ना, मतलब दिल खुश हो गया सुबह सुबह जब मैंने देखा। कल रात में उसमें 450 कुछ व्यूज़ थे, क्योंकि मैंने वो लेट भी अपलोड किया था, और जैसे ही मैं सुबह उठी मैंने देखा, ओ माय गॉड व्यूज़ इतनी जल्दी बढ़ गए उसमें, मतलब बस दिल खुश हो गया। तो जिसने नहीं देखा मेरा वाला व्लॉग, वो चेकआउट करो। और अच्छा लगता है जब यूट्यूब खुद से रिकमेंड करता है वीडियोज़, तो मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। और अच्छा व्यू गया, मतलब उसमें मुझे मतलब अच्छा लगा, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो खुशी होती है भाई जब तुम कुछ कर रहे हो और वो चीज़ लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तो भाई एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। फिलहाल मैं आपको फटाफट से अपने टेरेस का एक व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, मुझे नीचे भी जाने। तो ये है मेरी जो छत है, वहाँ से ऐसा व्यू आता है टेरेस से, ठीक है। ये देखो, ये पूरा व्यू दिखा देती हूँ आपको एक बारी मैं। और मेरे घर की खासियत यह है कि तुम्हें मेरे घर में बहुत सारी वाटर टैंक मिल जाएगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ है, ठीक है, और 1, 2, 3 वहाँ है, और 3 यहाँ है, ठीक है। तो ये मेरे घर की खासियत है छत की स्पेशली, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा जगह तो इन टंकियों ने घेर रखी। एनीवेज, और ये घर में जो है मेरी छत पे मम्मी जी ने प्लांट्स उगाए हैं, और तुलसी का पेड़ है, ठीक है। अब मैं सारे पौधों का आपको एक साथ व्यू दिखा देती हूँ कि कैसे लगते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक मिनट, तो जो भी मैंने आपको दिखाया वो था टेरेस का व्यू, और सिर्फ 10-15 मिनट में मैं पूरे पसीने से तड़तर हो चुकी हूँ, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो अब मैं नीचे जाकर आपको दिखाती हूँ कि नीचे पे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग घर के अंदर, ठीक है। चावल, ठीक है, और ये प्याज कट करके रखा है मम्मी ने, बाकी खाना बनेगा फिर इसको खाएंगे। मैं तो सिर्फ रोटी खाती हूँ, पर देखो ये मेरी रोटियाँ हैं, क्योंकि हम चावल नहीं खाता, हम डाइटिंग पर हैं।
सामान दिख रहा है आपको यहाँ पर, रखा देखो कितना सारा है, ये सब प्रमोशन का सामान है। अगर टाइम लगा तो इसे आज करेंगे वरना इसे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है। सो यस ओके गाइस, तो हम व्लॉग को एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहूँगी। गाइस मेरे को काफ़ी DM आए थे कि मैम आप ना अपने चैनल पे यू नो स्किन केयर और मेकअप ट्यूटोरियल्स और कुछ भी आप डाला करो ये वो सो करके। तो मुझे इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है कि मैं उसके लिए सेपरेट चैनल बनाऊँ या फिर इसी चैनल में कंटिन्यू करूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि मैं कैसे मतलब ये स्किन केयर और मेकअप वगैरह का इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ या फिर उसके लिए न्यू चैनल क्रिएट करूँ, आप ज़रूर बता देना। और अगर आप यहाँ नहीं बता सकते कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम फेसबुक एनीवेयर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और फिर हम आपको स्किन केयर अपना रूटीन शेयर करेंगे, अपना मेकअप डेली मेकअप रूटीन और वगैरह वगैरह अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स वाला मेकअप सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और सीरियसली गाइज मेरे पे इतनी नॉलेज आ रही है इन सब चीज़ों की, इतनी नॉलेज है ना मतलब आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैं तभी शेयर करूँगी, अदरवाइज मैं अपनी एनर्जी अपना टाइम और अपनी मेहनत तीनों ही चीज़ें क्यों वेस्ट करूँगी, है ना। तो काफ़ी लोगों के मेरे को DM आए थे, लेकिन बस मुझे अभी फ़िलहाल एक ही कन्फ्यूज़न है कि मैं इसी चैनल पर कंटिन्यू करूँ या फिर एक न्यू चैनल क्रिएट करूँ। तो आप मुझे बता दीजिए फिर, मैं अगर आप चाहेंगे कि मैं इसी चैनल पर करूँ तो मैं इस चैनल का नाम प्रेरणा हर्बोला व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल करके या फिर प्रेरणा हर्बोला व्लॉग्स एंड कुछ भी ब्ला ब्ला मैंने सोचा नहीं है, तो रखवा सकते हैं। वरना अगर न्यू चैनल होगा तो उसका तो नेम डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और चलिए फिर ठीक है, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं भी चलती हूँ फटाफट से, व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का कभी भी ना ही मेरे को हमेशा जब इसे पता है मैं शूट कर रही हूँ बड़बड़ से बोलना ही होता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग इस इंसान को ना घर से उठा के फेंक देना चाहिए, बड़बड़ करता रहेगा मतलब क्यों जान मुझ क्यों बोलते हैं अपने सब। ओके ओके गाइस, तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को कीजिए लाइक कमेंट शेयर, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स और सबको सबको सबको, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह एक प्यारे से क्यूट से व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।